ये कहानी है शमशान में रहने वाली एक मनहूस लड़की की, जिसे सारा गांव अपशगुन मानता था। लेकिन पूरे गांव की बातों को अनसुना करके रमा ने उसे अपने घर की बहू बनाया और उसके बेटे मोहन ने भी अपनी पत्नी को दिल से स्वीकार लिया। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और गांव वालों की बात सच होने लगी। शमशान वाली दुल्हन वाकई में रमा के लिए मनहूस साबित हुई और फिर जो हुआ उससे पूरा परिवार हैरान रह गया। आखिर क्या हुआ शमशान वाली दुल्हन के साथ, जानने के लिए देखिए। पिंकी और मोहन की शादी को 5 साल हो गए थे, पर अब भी दोनों को संतान नहीं हुई थी। इसी बात को लेकर रमा हर वक्त पिंकी को ताने मारती थी। देख रहा है मोहन बेटा, ये मिठाई परोस वाली कमला देकर गई है, उसकी बहू को पोता हुआ है और बेटे ने नया घर भी खरीदा है, लेकिन मेरे नसीब में ये खुशी कहाँ, सब तेरी इस मनहूस बीवी की वजह से हो रहा है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में शमशान वाली दुल्हन को बहू बनाकर ले आई मैं। बहुत समय पहले की बात है, फूलपुर गांव के शमशान घाट में पिंकी नाम की एक लड़की रहती थी। रोज सुबह जंगल से लकड़ियां काट के वो लाती थी और उनसे वो गांव से आने वाली लाशों को जलाने का काम करती थी। बदले में गांव के लोग कुछ अनाज और पैसे दे दिया करते, जिससे उसका गुजारा होता था। एक दिन रमा नाम की बूढ़ी औरत शमशान घाट में बैठी रो रही थी। क्या हुआ माँ जी, तुम रो क्यों रही हो? अभी जो चिता में जल रहे थे, क्या वो तुम्हारा कोई अपना था? उसी के दुख है तुम्हें? हाँ बेटी, वो मेरे पति की अर्थी थी, आज उनका अंतिम संस्कार था, लेकिन मेरे बेटा चिता को आग देने तक नहीं आया। मैं उसको कितना फोन किया लेकिन वो नहीं आया। अब इस दुनिया में कौन है मेरा, किसके सहारे जीवन काटू अपना? चुप हो जाइए माँ जी, ऐसे रोने से ना तो आपका पति लौट आएगा और ना ही आपका बेटा, लेकिन मेरे दिल कहता है आप जैसी अच्छी माँ का बेटा आपसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाएगा, वो जल्दी ही आ जाएगा। पिंकी ने रमा को सहारा दिया और उसे घर तक छोड़ने गई। रमा को पिंकी का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। उसने आस पड़ोस के लोगों से पिंकी के बारे में पूछा। अरे मंजू बहन, तू तो उस शमशान घाट के पास वाली घर में रहती है ना, जरा उस घाट में रहने वाली लड़की के बारे में कुछ बता तो। कौन? अच्छा, वो शमशान वाली दुल्हन? अरे वो लड़की तो एकदम मनहूस है, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई थी और शादी के समय दूल्हे का एक्सीडेंट हो गया था। शादी टूटने की खबर सुनकर बाप ने भी फांसी लगा ली। भला इतनी मनहूस लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाएगा, इसीलिए तब से अपना घर बार छोड़कर शमशान घाट में रहती है। तब से गांव वाले उसे शमशान वाली दुल्हन ही कहकर बुलाते हैं। लेकिन तू क्यों इतना पूछ रही है उसके बारे में? बस ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा मैं चलती हूँ बहन। रमा अब रोज पिंकी से मिलने शमशान घाट जाने लगी। उसे पिंकी से बात करके बड़ा सुकून मिलता। पिंकी भी रमा के आने से खुश हो जाती। एक दिन पिंकी जब रमा को उसके घर छोड़ने गई तो रमा ने देखा उसका बेटा शहर से लौट आया है और दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा है। अरे माँ, तू कहाँ चली गई थी? मैं 2 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तू आ गया बेटा, देख पिंकी, मेरा मोहन आ गया। तू ठीक कहती थी, मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं रह सकता। रमा रोते हुए अपने बेटे को गले से लगाती है। पिंकी भी माँ बेटों का मिलन देखकर बहुत खुश हो जाती है और कुछ देर में वो अपने घर लौट जाती है। इधर मोहन बताता है कि उसे गांव से किसी ने फोन करके रमा की तकलीफ के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाया और गांव लौट आया। पता नहीं माँ, किस लड़की ने मुझे फोन किया था, लेकिन उसने मेरे सोए हुए जमीर को जगा दिया। मैं शहर में इतना व्यस्त हो गया था कि तुझे और पिताजी को भूल ही गया था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे मेरे गांव की, मेरे माँ बाप की याद दिला दी और मैं लौट आया। काश मैं उसे एक बार मिल पाता। रमा समझ गई कि ये काम पिंकी ने ही किया है।
मोहन को गांव वापस बुलाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि पिंकी ही है। धन्य हो भगवान, मुझे तेरा इशारा मिल गया। अब मैं समझ गई हूँ, पिंकी ही मेरे घर की बहू बनने लायक है। जिसने मेरे सालों से बिछड़े बेटे को मुझसे मिला दिया, वही मेरे घर की खुशी बनेगी। रमा ने मोहन को पिंकी के बारे में सब कुछ बताया और पिंकी से शादी के लिए भी मना लिया। फोन करने वाली लड़की पिंकी है। जब मोहन को ये पता चला तो वो भी शादी के लिए मान गया। पर माँ जी, पूरा गांव मुझे एक मनहूस लड़की मानता है। क्या आप दोनों ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाओगे जिसे समाज ने खुद से अलग कर दिया हो, माथे पर मनहूस का धब्बा लगा दिया हो, जो शमशान घाट में लाश जलाने का काम करती हो? मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, इसलिए तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने में मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ बेटी, मैं भी ऐसी बकवास बातों में विश्वास नहीं करती हूँ। और तुझे बहू बनाने का इशारा तो खुद मेरे भगवान ने दिया है। सबकी बातें सुन पिंकी से अपनी खुशकिस्मती समझती है और चुपचाप शादी के लिए मान जाती है। मोहन बारात ले शमशान घाट में जाता है और वहाँ से पिंकी को दुल्हन बना अपने घर ले आता है। गाँव वाले इस शादी को भी अपशगुन मानते हैं और रमा को ताने देते हुए कहते हैं, क्या रे मंजू, पूरे गांव में शमशान वाली दुल्हन ही मिली थी तुझे अपने बेटे के लिए। कौन अपने खानदान के सत्यानाश करना चाहता है? अभी भी समय है, रोक दे शादी को और बचा ले अपने बेटे को, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। रमा ने इन सब बातों को अनसुना किया और बिना सोचे समझे ही पिंकी को अपने घर की बहू बना बैठी। शादी के 2 महीने बाद ही मोहन को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और वो गांव में ही रहने लगा। खेती बाड़ी का काम करके दोनों अपना घर चलाने लगे, लेकिन पैसे की कमी के कारण आए दिन रमा झगड़ा करने लगी। धीरे धीरे गांव वालों की बातें उसे सच लगने लगी कि पिंकी एक मनहूस लड़की है। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए, लेकिन पिंकी अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। रमा दिन रात इस बात के लिए मोहन और पिंकी को ताने सुनाया करती थी, अपने नसीब को कोसती और मोहन को दूसरी शादी के लिए उकसाती। बेटा, मेरी बात मान ले और मंजू की बेटी से शादी कर ले। वो दहेज भी देगी और बच्चा भी, साथ ही इससे पीछा भी छूट जाएगा। कैसी बात कर रही हो माँ? अगर मेरी किस्मत में ये सब होगा तो एक ना एक दिन मिल जाएगा, लेकिन माँ, मैं दूसरी शादी कभी नहीं कर पाऊंगा। रमा ने तो जैसे ठान ही लिया था कि मोहन की दूसरी शादी करवा के ही दम लेगी। एक दिन जब मोहन कुछ हफ्तों के लिए काम ढूंढने शहर गया तो रमा ने पिंकी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और मंजू की बेटी शीला को बहू बनाकर घर ले आई। मोहन जब गांव लौटा तो, माँ, पिंकी कहाँ है? ये या क्या कर रही है? उस मनहूस ने खुद ही इस घर को छोड़ दिया और मैं शीला को अपनी बहू बनाकर ले आई हूँ। अब तू चुपचाप इससे शादी कर ले और भूल जा उस शमशान वाली दुल्हन को। मोहन ने पूरे गांव में बहुत ढूंढा, लेकिन पिंकी उसे कहीं नहीं मिली। मोहन को पिंकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रमा ने मौके का फायदा उठाया और मोहन की शादी शीला से करवा दी। माँ, मुझे शहर में एक नौकरी मिल गई है, सुबह मैं शहर निकल रहा हूँ। रमा बड़ी खुश हुई, उसे लगा अब घर से मनहूसियत का साया खत्म हो गया। मोहन शहर चला गया और शीला ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया। शीला रमा से खूब काम करवाती और जब मोहन शहर से पैसे भेजता तो सारे पैसे खुद रख लेती। सासू माँ, जल्दी आ जाइए, भूख लगी है मुझे। दिन के 10 बज गए हैं लेकिन अभी तक रोटी नसीब नहीं हुआ। शीला बहू, जरा आज 1000 रुपया दे देना, मुझे नई साड़ी लेना है। पुरानी सारी साड़ियाँ जगह जगह से फट चुकी है। क्या बात है, नई साड़ी? इस उम्र में कौन सी बुढ़िया नई साड़ी पहनती है? ससुर जी तो पहले ही स्वर्गवासी हो गए हैं, फिर किस बुढ़ी को दिखाना है ये नई साड़ी? चुपचाप काम कर लो, फोकट में नहीं आते 1000 रुपया। बड़ी आई साड़ी पहनने वाली। पूरे दिन शीला रसोई घर में ताला लगा कर रखती और रमा को भूखे ही रहना पड़ता था। ज्यादा समय वो अपने मायके में ही बिताया करती। घर का काम करते हुए रमा को हमेशा पिंकी की याद आती, उसके आंसू बहने लगते।
मोहन ने भी अब माँ का हालचाल पूछना बंद कर दिया था। ए सासू माँ, आराम बाद में कर लेना, जाओ पहले जंगल से चंदन की कुछ लकड़ियाँ काट कर ले आओ, मेरे मायके पे आज पूजा है, उसी की खातिर चाहिए थी। रमा जानती थी कि वो ना नहीं कह सकती, नहीं तो शीला उसको पीटना शुरू कर देगी। रमा ने चुपचाप कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल में लकड़ियां काटते हुए उसे पिंकी नजर आई, जो गर्भवती थी। पिंकी बहू, ये क्या है? तुम माँ बनने वाली है, लेकिन ये कब हुआ? हाँ माँ जी, जब आपने मुझे घर से निकाला था तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मैं कई दिनों तक हॉस्पिटल में भी भर्ती थी। वहाँ मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तब तक मैं ये बात आप लोगों को बता पाती, आपने मेरे पति की दूसरी शादी करवा दी थी। रमा को ये सब सुनकर अपनी गलतियों का पश्चाताप हुआ और उसने रोते माफी मांगी। पिंकी को घर वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन पिंकी ने साफ इनकार कर दिया। पिंकी वापस अपने शमशान घाट में ही रहने लगी। रमा को अपने बुरे कर्मों की सजा जिंदगी भर शीला के साथ रहकर ही काटनी थी। ऐसा ही होता है जब इंसान किसी दूसरे इंसान को मनहूस मानकर उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगता है। जो रमा ने किया, उसे गांव वालों की बात सुनी और अपना घर बर्बाद कर लिया। अंबा एक संस्कारी महिला है। सुबह 4 बजे उठकर गंगा स्नान करके मंदिर में पूजा पाठ करती, फिर घर आकर तुलसी पूजा करके ही खाने को हाथ लगाती। लेकिन अंबा की बहू अपने सास से बिल्कुल अलग है। मॉडर्न सोसाइटी की स्टाइलिश बहुओं की तरह छोटे कपड़े पहनना, दिन रात पार्टी और क्लब में जाना, घर में सबके सामने शराब पीना, कुछ ऐसी ही थी संस्कारी अंबा की शराबी बहू सोना, जिसे अंबा ने खुद ही चुना था अपने बेटे आलोक के लिए। एक दिन सोना दारू के नशे में फुल टाइट होकर छत में चढ़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मोहल्ले वालों, मैं आज यहाँ से कूद कर खुदकुशी करूंगी, खुदकुशी करने जा रही हूँ, तुम सब मेरे इस मौत के गवाह हो, ओके? तो मैं करूँ सुसाइड? तमाशा देखने के लिए मोहल्ले की भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी नीचे से एक चचा ने कहा, अरे सोना बहू, आज क्या हो गया? सास ने फिर कुछ कह दिया क्या? चचा, मुझे जीने का शौक नहीं, जीती हूँ सास की ताने खाने को। मेरी सास एकदम खरूस है, वो मुझे अपनी तरह गवार बना कर रखना चाहती है, लेकिन मैं तो शेरनी हूँ ना, और एक शेरनी बकरी कैसे बन सकती है? तो फिर मैं करूँ सुसाइड? अरे क्यों इतनी पीती है जो हजम नहीं कर सकती? जब देखो तब पीकर नाटक करती है, पूरे मोहल्ले को तमाशा बना कर रख दिया है इस शराबी लड़की ने। मौसी, मौसी तुम नहीं समझोगी, मौसी ये मेरा दुख दर्द तू कभी नहीं समझेगी, ये सब तुझे नाटक लग रहा है ना बुढ़िया? जब मैं नीचे गिरकर मर जाऊंगी तब बोलना ये नाटक है। मोहल्ले वालों, तो आप सब तैयार है ना? अभी मैं करूँ सुसाइड? सोना की सास मंदिर से आकर अपने घर के बाहर जब भीड़ लगी हुई देखती है, तो तुरंत छत पर जाकर सोना को खींच के अंदर ले जाती है और बेडरूम में बंद कर देती है। शाम को जब सोना का पति और ससुर घर आते हैं तो अंबा उन्हें सब बताती है। रोज तो पीकर घर में तमाशा करती है, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दिया, छत में जाकर पूरे मोहल्ले के सामने हमारा तमाशा बना दिया। बहू, तो तुमने अपने पसंद की लाई है ना माँ? खाना बनाना आता है या नहीं, पूजा करना आता है या नहीं, व्रत रख लेती है कि नहीं, यही सब पूछा था ना तुमने, लेकिन ये तो पूछना भूल ही गई थी कि दारू पीती है कि नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब की जिम्मेदार मैं हूँ? मैंने तो कोशिश की थी अच्छी बहू लाने की इस घर में, लेकिन सबने झूठ बोलकर ऐसी शराबी लड़की फंसा दी गले में, तो भला इसमें मेरी क्या गलती है बेटा? अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ, ऑफिस की टेंशन कम नहीं है जो घर आते ही संस्कारी सास और शराबी बहू की टेंशन मिलने लगती है।
तभी ऊपर से बहू के चिल्लाने की आवाज आती है। दरवाजा किसने बंद किया है? दरवाजा खोलो जल्दी, नहीं तो मैं तोड़ दूंगी इसे। ए बुढ़िया, खोल दरवाजा। आलोक तुरंत जाके दरवाजा खोलता है और गुस्से में सोना से कहता है, क्या तमाशा बना रखा है तुमने? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि तुम एक ऐसे घर की बहू हो जो ना तो दारू को हाथ लगाते हैं और ना ही उसकी बात करते हैं, फिर भी सब तुम्हें झेल रहे हैं। सोसाइटी में हमारी एक रिस्पेक्ट है जो तुमने खत्म कर दी है। कहीं ऐसा ना हो सारी लिमिट क्रॉस हो जाए और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकूं। आलोक फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है और दरवाजे को धड़ाम से बंद कर देता है। सोना ने पहली बार आलोक को इतने गुस्से में देखा था। वॉशरूम से बाहर आते ही सोना मासूम से चेहरा बनाकर आलोक से कहती है, I'm sorry, माफ कर दीजिए ना प्लीज। मैं आज के बाद शराब की तरफ देखूंगी भी नहीं, कसम से दारू का नाम तक नहीं लूंगी। लेकिन आप मुझसे ऐसे छोड़ने की बात कभी मत कीजिए। तुम और तुम्हारी कसम दोनों एक जैसे हो, झूठे और बेकार। तुम हर रोज मेरी कसम खाती हो और शराब की बोतल सामने देखते ही सब भूल जाती हो। सॉरी कहा ना, अब सच में नहीं पीऊंगी। अरे रहने दो, तुमसे नहीं होगा। काश मेरी शादी किसी नॉर्मल लड़की से हुई होती तो। आलोक कपड़े बदल कर घर के बाहर चला जाता है। सोना को आज आलोक की बात बहुत ही कड़वी लग रही थी, इसके बावजूद भी सोना ने शराब पीना नहीं छोड़ा। एक दिन जब आलोक घर आया तो अपने साथ एक खूबसूरत लड़की को साथ लाया। माँ, ये पूनम है, मेरे बॉस की बेटी। हम दोनों एक प्रोजेक्ट पर साथ ही काम कर रहे हैं, इसलिए कुछ दिन ये हमारे साथ ही रहेगी। नमस्ते आंटी जी। जीती रहो बेटी। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे आंटी, आप क्यों बनाए? मैं चाय बना कर लाती हूँ, आप बस मुझे आपका किचन दिखा दीजिए। अरे बेटी, ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ मेहमानों से काम नहीं करवाया जाता। अरे माँ, बनाने दो, ये बहुत जिद्दी लड़की है, जो सोच लेती है वो करके ही रहती है। राइट, आलोक मुझे बहुत अच्छे से जानता है, he is very nice man। आंटी जी, आपका बेटा एकदम जेंटलमैन है। सोना ऊपर खड़ी सब कुछ देख रही थी। पूनम अम्बा के साथ किचन में जाकर चाय बना लाती है। आलोक और अम्बा पूनम की बनाई हुई चाय की खूब तारीफ करते हैं। ऊपर खड़ी सोना ये सब देखकर पूनम से चलने लगती है। वो तुरंत बेडरूम में जाकर शराब की एक भरी हुई बोतल मुंह से लगाते ही खाली कर देती है। नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए वो सीढ़ियों से नीचे आती है और पूनम के बाल पकड़ लेती है। ए बंदरिया, चल निकल मेरे घर से। बेशरम कही कि मेरे घर में खड़ी होकर मेरे ही पति पर लाइन मारती है। अरे ये क्या बदतमीजी है सोना? तुम कौन हो? ओ हाँ, तुम वही हो ना जो इस बंदरिया के हाथों की चाय पीकर वाह-वाह कर रहे थे। करो और करो तारीफ। हे भगवान, इसने फिर से शराब में डुबकी लगा ली है। बेटा आलोक, तू जल्दी से अंदर ले जा इसे। आलोक सोना को बेडरूम में ले जाकर उसे बंद कर देता है और नीचे आकर पूनम से माफी मांगता है। पूनम हैरान थी आलोक की पत्नी का ये रूप देखकर। ये कौन थी आलोक? तुम्हारी पत्नी इतनी डेंजरस? ओ माय गॉड, आई थिंक अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। प्रोजेक्ट का काम हम ऑफिस में ही कर लेंगे। पूनम के जाते ही आलोक और अम्बा सर पकड़कर बैठ जाते हैं। उनकी शराबी बहू हर तरह से घर की इज्जत खराब करने में लगी थी, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो रहा था। आलोक और अम्बा ने सोना को ठीक करने का एक प्लान बनाया। दूसरे दिन जब सोना की नींद खुली तो उसने मोबाइल पर एक वीडियो देखा जिसमें आलोक और पूनम शादी कर रहे थे। सोना की आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सब मेरी गलती है। शराब की लत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आज अब मैं क्या करूंगी? सोना ने घर में रखे सभी शराब की बोतलों को कूड़ेदान में फेंक दिया और ऑटो पकड़ के आलोक के ऑफिस पहुंच गई, जहां अम्बा अपने पति और बेटे आलोक के साथ बैठी खाना खा रही थी। पूनम भी शादी के जोड़े में आलोक के बगल में बैठी थी। अरे देखो, हमारी सोना बहू भी आ गई। आजा बहू, आजा। सोना उदास होते हुए बोली,
शादी हो गई आप दोनों की? तुम्हें क्या मतलब इससे? तुम जाओ बैठकर शराब पियो। क्या हुआ, घर में बोतल खत्म हो गई शराब की? ये लो पैसे ले जाओ और खरीद लो। मुझे माफ कर दो आलोक, मैं मानती हूँ मैं अपनी बुरी लत के कारण आप सबको बहुत परेशान किया है, लेकिन क्या तुम मुझसे अब डिवोर्स ले लोगे, मुझे घर से निकाल दोगे? सोना की हालत देख सबको उस पर दया आती है। अपनी बहू की ऐसी हालत देख अंबा बोल पड़ती है, नहीं सोना बहू, ऐसा नहीं होगा। अगर तू वादा करे कि आज से शराब को हाथ भी नहीं लगाएगी तो। सोना रोते हुए वादा करती है और पूनम से माफी भी मांगती है। इट्स ओके सोना, बट ये शादी बस हमारे ऑफिस प्रोजेक्ट का एक एड था, इसीलिए अब तुम हैप्पी हो जाओ, आलोक सिर्फ तुम्हारा ही है। ये सुनकर सोना और सभी लोग खुश होते हैं। आखिर शराबी बहू को देर से ही सही, पर अकल तो आई। इसीलिए कहते हैं अंत भला तो सब भला।